दोस्तों यह है जगुआर कंपनी का स्लिम कंसीलर सिस्टम जिसको बाथरूम के अंदर इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, बॉक्स के अंदर से क्या क्या निकलता है पहले आपको हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद उसको फिटिंग करेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग बाथरूम पूरा इंस्टॉलेशन इसको करेंगे। तो आगे वीडियो को देखते रहिए और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों सबसे पहले एक बॉक्स से यहाँ पे छोटा सा डब्बा निकला, इस डब्बे में क्या क्या छोटे छोटे सामान भी है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक एक छोटा छोटे पार्ट जो है उसमें ये सिस्टम में ये काम आते हैं। एक दोस्तों देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का ये वाशर है और ये कैप दिया गया है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्लिप दिया गया है, स्क्रू दिया गया है, जो सिस्टम में ये काम आते हैं, लेकिन हम लोग अलग तरीके से सिस्टम को लगाएंगे, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, आगे वीडियो में देख ही लीजिएगा। और एक कवर दिया गया है जो सिस्टम में अभी अटैच होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या निकलता है बॉक्स में, यहाँ बहुत सारे सामान दिए गए हैं और भी सामान है। यहाँ पे एक 7 इंची का कनेक्ट पाइप दिया गया जो कमोड लगाने समय ये कनेक्ट करने के लिए काम आता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक है, ये कम सिस्टम में जो नीचे का फ्लश मैन होता है वो अटैच हो जाता है, उसको भी हम लोग अटैच करेंगे अभी। और दोस्तों तीसरा चीज़ आप दोस्तों देख सकते हैं, ये मेन चीज़ है, ये सिस्टम है, पूरा डब्बा है, ये डब्बे की तरह दिखता है लेकिन ये अंडरग्राउंड ये हो जाता है, इसी भी ये इसका जो छोटे छोटे पार्ट है वो बाद में फिट होंगे। अभी यहाँ पे इसका इनलेट पॉइंट आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ ब्रास एल्बो हम लोग इसमें लगाएंगे, तो इसका बैंड वन भी जो हम लोग निकाले उसको भी हम लोग फिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ निकला है, ये निकला है इसका जाली जो कवर की तरह ये काम आता है, बाद में जब सीमेंट मसाला इसमें चढ़ता है तो इसमें पकड़ने के लिए दिया हुआ रहता है। एक कागज़ दिया गया है और कुछ नहीं है। इसका चौड़ाई दोस्तों यहाँ पे 19 इंची और लंबाई इसका 21.5 इंची फ्लश बैंड लगाने के बाद होता है, और इसका मोटाई लगभग 3.25 इंची इसका है। तो चलिए फ्लश बैंड तो हम लोग लगा ही दिए, इसका ऊपर का जो कवर दिया गया है उस कवर को हम लोग लगाते हैं, और ब्रास एल्बो जो इनलेट पॉइंट पे उसको हम लोग पूरा फिट करते हैं। उसके बाद बाथरूम में इसको ले जाके बाथरूम में जहाँ पर ये फिट होगा उसको पूरा अच्छी तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ पे क्या किए हम लोग इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मतलब ये जो हम लोग का पाइप दिख रहा है ये कमोड का 4 इंची का आउटलेट पाइप है, और ये दीवार है, तो ये दीवार से मतलब कितना बाहर है, 6 से 7 इंची बाहर हो जा रहा है। तो सिस्टम का जो लेंथ है वो थोड़ा पतला है, देख सकते हैं ये मतलब 3.25 इंची का लगभग इसका मोटाई है सिस्टम का। तो हम लोग इसको थोड़ा बाहर निकालने के लिए इस चीज़ को हम लोग लगाएँ, 1 इंची का हम लोग CPVC का पाइप को काट के यहाँ पर कांटी से हम लोग इसको लटका दिए हैं। अभी सिस्टम इसी में हम लोग इसके क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि सिस्टम दीवार में सटेगा नहीं, दीवार से थोड़ा बाहर आ जाएगा और इसके लेवल में सिस्टम आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पीस हम लोग यहाँ पे इसको फिट किए हैं। और यहाँ पे ये पाइपलाइन आपको जो नज़र आ रहा है ये वाला हम लोग का ठंडा पाइपलाइन है, CPVC का पाइपलाइन है, ये सिस्टम का पानी के लिए इनलेट लाइन को कनेक्शन करने के लिए इसको हम लोग यहाँ पर अभी छोड़े हैं। अभी सिस्टम यहाँ पे हम लोग का पूरा रेडी हो चुका है, पूरा इसका जो फिटिंग करना था सिस्टम का वो चीज़ कर चुके हैं, और ऊपर में यहाँ पे इसका इनलेट है, यहाँ पे ब्रास एल्बो हम लोग इसमें लगा दिए हैं और इसी से इसका पाइप का कनेक्शन होगा। तो अभी पूरा वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो को आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अभी देख सकते हैं लेटिन इधर तार को भी बना रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं टूटू भैया है जो हम लोग का हेड मिस्त्री है, अभी यही सिस्टम को फिट कर रहे हैं, और फिट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसा फिट हुआ है, और इसका मेजरमेंट भी हम लोग करेंगे, नापी लेंगे इसका।
तो अभी हम लोग तार काटी बना लिए हैं, और तार काटी हम लोग यहाँ मार्किंग कर लिए हैं दीवार में। तार काटी हम लोग को पहले लगा ले रहे हैं। तार काटी हम लोग इसलिए लगा रहे क्योंकि तार काटी से क्या होगा, सिस्टर्न को यहाँ पे मतलब इसको दीवार में अटैच करने के लिए हम लोग तार काटी यहाँ पे लगा रहे हैं। ये सेंटरिंग का वायर है, हैवी वायर है, देख सकते हैं ये लोहा का। मत दे इसका तो मुंडी तो दोस्तों देख सकते हैं दीवार में पूरा अटैच हो चुका है, और पूरा मतलब पत्थर की तरह पूरा टाइट हो चुका है। एक कांटी तार यहाँ उधर मारे हैं, एक इधर मारे हैं, और सीधा हम लोग एक इस साइड से हम लोग दे दिए हैं। पूरा देख सकते हैं आप पूरा मतलब ये मजबूत हो चुका है, ये हिल नहीं रहा है, हिलाने के बावजूद भी नहीं हिल रहा है, ये देख सकते हैं पूरा मतलब हैवी हो गया है टाइट, देख सकते हैं। पूरा देख सकते हैं पूरा टाइट हो चुका है, और अभी हम लोग इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। इसका मेजरमेंट आप देख सकते हैं, सेंटर टू सेंटर ये आपका सेंटर है, 7 इंची से 4 इंची सेंटर आप देख सकते हैं, 5.5 इंची इसका सेंटर आप देख सकते हैं आ रहा है। पूरा टेप नीचे कर नीचे, ये 5.5 इंची में उसका सेंटर रखे हैं, ये इसका 20 सेंटर है, और ये इसका 7 इंची का 20 सेंटर है।